नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस में असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। 23 असंतुष्ट नेताओं में से प्रखर और मुखर नेता कपिल सिब्बल एक बार फिर बोले हैं। उन्होंने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि एक महीना सोनिया गांधी के बैठक किए हुए होने वाले हैं और अभी तक चुनाव की दिशा में कुछ नहीं किया गया है। यानी वो निराशा जाहिर कर रहे हैं कि पहले तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला। का यद्यपि वो ये बात बोल नहीं रहे, लेकिन उसके बैकग्राउंड में यदि जाएंगे तो काफ़ी मेहनत और प्रयास के बाद जब प्रियंका गांधी और कमलनाथ ने प्रयास किया तो सोनिया गांधी के साथ असंतुष्ट नेताओं की बैठक हुई। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ट्रेवल में होने के कारण वो उस बैठक में भाग नहीं ले सके थे, लेकिन उन्होंने बैठक की थी और ओपन डिस्कशन करने की कोशिश की थी, सबसे बात की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके बात करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अभी तक क्या हुआ कुछ नहीं पता। वर्किंग कमेटी और जो सेंट्रल कमेटी होती है उसके लेकर के क्या हुआ कुछ नहीं पता, क्योंकि सभी साथ ही चुनाव होने हैं। इसके अलावा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के रिवाइवल की बात कर रहे हैं। बहुत दिनों से कांग्रेस में बात चल रही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का रिवाइवल होना चाहिए, उस पर भी कुछ नहीं पता है। राहुल गांधी के फिर से अध्यक्ष बनने को लेकर के क्या कांग्रेस में जान आएगी, इस पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देने का कोई फायदा नहीं है, जब रियलिटी में वो तब्दील होगा तब उस पर बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो असंतुष्ट थे और अभी तक असंतुष्ट हैं, यानी कि कांग्रेस के रिवाइव करने के लिए अभी तक कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। आपको याद होगा कि कांग्रेस की जो खबरें आई थी जब ये विवाद हुआ था तो उसमें ये हुआ था कि जनवरी तक इलेक्शन हो जाएगा। आज तक अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। राहुल गांधी इसी बीच में बाहर गए, फिर से लौट के आ गए, खबरें आई कि राहुल गांधी ने जो मीटिंग हुई थी जिसमें सोनिया गांधी असंतुष्ट नेताओं से मिली थी, जिसमें प्रियंका गांधी भी थे, उन्होंने कहा था कि जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वो उसको निभाने के लिए तैयार है, लेकिन बाद में खबर ही आई कि अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या फिर गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष होगा? क्या प्रियंका गांधी पे भी कांग्रेस दांव लगा सकती है, या कोई इन्हीं असंतुष्ट नेताओं में से बनना चाहेगा? इस तरह की भी बातें आ रही है। लेकिन जब तक वो जमीन पे नहीं उतरेगी, जब तक कांग्रेस में इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं होगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा था कि जो भी इलेक्शन के लिए एक मैकेनिज्म बना हुआ है वो अपना काम कर रहा है और जल्दी ही चुनाव होगा, लेकिन चुनाव का कहीं कुछ हता पता ही नहीं है। उसी पर कहीं ना कहीं अपनी खीज और निराशा जाहिर करते हुए दिखे हैं कपिल सिब्बल। तो क्या फिर से असंतुष्ट गतिविधियाँ बढ़ने वाली है? ये वही कपिल सिब्बल है जब बिहार चुनाव के बाद उन्होंने साफ साफ कहा था, बिना लाग लपेट और संकोच कहा था कि पार्टी ने हार को अपनी नियति मान लिया है और ऐसा कोई प्रयास नहीं हो रहा है कि पार्टी कैसे अपने को मजबूत बनाएगी। तो उस पर भी विवाद हुआ था। उस पर फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने आए थे, अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अटैक किया था कि आप जाकर के बिहार में प्रचार किए क्या, बिना प्रचार किए, बिना काम किए, और आप सिर्फ आरोप लगाते हैं, आप जब जमीन पर उतर करके लड़ाई लड़ेंगे तब पता चलेगा कि संघर्ष कितना मुश्किल है। खैर, कपिल सिब्बल इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस को दिया अपने इंटरव्यू में किसानों के आंदोलन को भी लेके बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार ने किसान कानून पास किया, किस तरीके से जीएसटी कानून पास किया, किस तरीके से डीमोनेटाइजेशन लागू किया, यानी कि सब कुछ हड़बड़ी, और हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती ही है, लेकिन इस सरकार के साथ दिक्कत यह है कि वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। खैर, वो तो सरकार की आलोचना करेंगे ही, विपक्ष का काम भी आलोचना करना, लेकिन कांग्रेस को लेकर के जो कुछ भी उन्होंने कहा है, क्या सोनिया गांधी इस पर फिर से जो है संज्ञान लेगी और जल्दी से जल्दी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा, वर्किंग कमेटी का चुनाव होगा, क्योंकि असंतुष्ट नेताओं ने साफ साफ मांग की थी कि नीचे से ऊपर तक चुनाव होना चाहिए, मनोनयन की प्रथा बंद होनी चाहिए और हमारा अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो विजनरी हो, जो जमीन पे हो, जो एक्टिव हो, जो लोगों की बात सुने, सुझाव सुने और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करे। ये मोदी और शाह की बीजेपी है और इससे लड़ने के लिए संगठन का मजबूत होना जरूरी है। उस दिशा में अभी काम होता हुआ सा नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या फिर से विवाद होता है, विवाद होता है तो कहाँ जा करके थमता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।